पिजन ट्रैप। दो कबूतर एक जंगल में एक बड़े पेड़ में रहते थे और एक चूहा उसी पेड़ के नीचे बिल में रहा करता था। कबूतरों और चूहा बहुत अच्छे दोस्त थे। दिन के समय कबूतर भोजन और पानी की तलाश में जंगल भर में उड़ान भरते। हर दिन रात होने से पहले वो दोनों घोंसले में लौट आते थे। उन दो कबूतरों में से एक बहुत बुद्धिमान था। उसी जंगल में एक शिकारी जो हर रोज जंगल में जाकर बस शिकार करता था। एक दिन बहुत देर तक वो अपना जाल डाले हुए बैठा था, लेकिन कोई भी शिकार उसके जाल में आकर फंस नहीं रहा था। कुछ टाइम बाद कड़ी धूप हो गई और वो जंगल में ही सो गया। हर दिन हमेशा की तरह कबूतरों ने भोजन की तलाश में आसमान में ऊंची उड़ान भरी। अचानक ही एक कबूतर चिल्लाया, अरे नीचे देखो, अच्छी मात्रा में अनाज बिखरा हुआ है, चलो उन्हें जाकर खाते हैं। लेकिन बुद्धिमान कबूतर ने इसे अच्छा विचार नहीं माना। उसे संदेह हो गया, कहीं ये पक्षी पकड़ने वाले द्वारा बिछाया गया जाल तो नहीं? इस घने जंगल में इतना सारा चावल एक मात्रा में कैसे हो सकता है, उसने सोचा। उसने अपने दोस्तों को नीचे जाने और चावल खाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी नहीं सुनी, क्योंकि वो बहुत भूखे थे। उनमें से एक कबूतर बोला, हे भगवान, हमारे दोस्त को हमेशा किसी न किसी चीज पर संदेह ही रहता है, मैं तो जा रहा हूँ, जाकर नए चावल खाऊंगा। बुद्धिमान कबूतर नीचे आया और पास के ही एक पेड़ की शाखा पर बैठने का फैसला किया। तब दूसरा कबूतर अनाज खाने के लिए नीचे उतरा और चावल खाने लगा, और तभी अचानक वो शिकारी के बिछाए हुए कार्डबोर्ड के जाल में फंस गया। अब कबूतर इस जाल से नहीं निकल पाया। कबूतर जाल से मुक्त होने की पूरी कोशिश कर रहा था। अब मुझे क्या करना चाहिए, कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इस जाल से छुटकारा नहीं पा पाऊंगा, वो रो पड़ा। कृपया करके मुझे बचाओ, वो बुद्धिमान कबूतर से भीख मांगते हुए बोला। अब तो मैं मर ही जाऊंगा, थोड़ी देर में शिकारी आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। तभी बुद्धिमान कबूतर ने कहा, डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक योजना है, मैं वापस आऊंगा, तुम मजबूत रहना और डरना नहीं। ठीक है, पर तुम जल्दी आना। और वो तुरंत ही अपने दोस्त चूहे से अपने दोस्तों को बचाने की मदद मांगने गया। चूहा बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ चल पड़ा। वो भागा भागा कबूतर के साथ आया। चूहा और कबूतर जहां पर जाल लगा था वहां पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर कबूतर ने अपने दोस्त से कहा, घबराओ मत मित्र, मैं देखता हूँ कि शिकारी कहाँ है, मैं उसको रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक चूहा तुम्हारे जाल को कुतर देगा और तुम जल्द ही यहाँ से निकल जाओगे। बिना किसी समय को बर्बाद किए चूहे ने जाल को कुतरना शुरू किया, और वहां बुद्धिमान कबूतर उस शिकारी को आता देखकर उस पर ढाबा बोल देता है। बेचारा कबूतर आखिर शिकारी को कब तक रोक पाता। उसने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन थोड़ी ही देर में कबूतर शिकारी को नहीं रोक पाया। तब तक यहाँ पर चूहे ने पूरा जाल कुतर दिया था और कबूतर जाल से आजाद हो चुका था। जब तक शिकारी वहां पहुंचा, कबूतर ऊंची उड़ान भर चुका था। शिकारी भ्रमित हो गया और खाली हाथ वहां से घर चला गया। इस प्रकार तीनों दोस्तों की सूझबूझ ने एक दूसरे की रक्षा की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आपसी सूझबूझ और समझदारी हो तो किसी भी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। विशाल खरगोश और शैतान बच्चा। एक बार की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें पप्पू नाम का एक शैतान बच्चा रहता था। वो घर में किसी की भी नहीं सुनता था, और हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके दादाजी उसके कभी नहीं डांटते थे, बल्कि वो तो उसकी हर शैतानी में उसका साथ देते थे। उसी गांव में एक बार एक गाय आ जाती है। बेचारी बड़ी भूखी होती है। ढूंढते ढूंढते वो दुर्भाग्यवश पप्पू के घर पहुंच जाती है। पप्पू जैसे ही गाय को देखता है अपने दादाजी को पुकारता है, दादाजी वो देखो हमारे घर में गाय घुस गई। चलो बेटा हम उसकी हालत खराब करते हैं, आ जाओ मेरे साथ। हाँ चलो दादाजी, बहुत मजा आएगा इसको तड़पाने में। दादा और पोता मिलकर गाय को रस्सी के जरिए एक खूंटे पर बांध लेते हैं। पप्पू गाय को बहुत तंग करता है, जिसे देखकर उसके दादाजी बड़े खुश होते हैं। बेचारी गाय परेशान होकर बोलती है, मुझे जाने दो, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए मैं यहाँ आ गई, अब कभी नहीं आऊंगी। नहीं, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा,
तो आखिर हमारे घर में घुसी कैसे? हाँ बेटा सही कह रहे हो, अंदर जाओ और एक बर्तन लेकर आ, आज तुझे गाय का ताजा दूध पिलाता हूँ। अभी लाया दादाजी। और फिर पप्पू और दादाजी ने मिलकर लगातार 2 दिनों तक उस गाय का दूध निकाला, उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया और उसे उसी खूंटे से बांध दिया और 2 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। अगले दिन पप्पू के घर के आंगन में एक प्यारा सा कबूतर आकर दाना चुगने लगा। उसे देखते ही पप्पू ने दादाजी को बोला, दादाजी देखो कबूतर आया है। तो देख क्या रहा है, पकड़ ले उसे और उस पिंजरे में डाल दे। जी दादाजी अभी पकड़ता हूँ। और पप्पू ने चुपके से उस कबूतर को पकड़ लिया और पिंजरे में कैद कर दिया। उसे भी गाय की तरह पप्पू और उसके दादाजी ने बहुत परेशान किया। बेचारा कबूतर उसी पिंजरे में फड़फड़ाता रह गया, खाने को भी एक दाना ना दिया गया। अगले दिन वो कबूतर जैसे तैसे पिंजरा काट कर भाग गया। अगले दिन रास्ते में दोनों दादा और पोते को एक मुर्गा दिखाई दिया। चूंकि दादाजी पुराने शिकारी थे, शिकार करना उनका शौक था, शायद इसीलिए वो जानवरों को इतना परेशान करते थे और उन्हें इसमें बहुत अच्छा लगता था। चल बेटा आज तेरी दावत उड़ाता हूँ, मुर्गा खाएगा। मुर्गा फड़फड़ाता ही रह गया। उसके दादाजी और पोते ने उसे घर ले जाकर काट कर मार कर खा लिया। फिर अगले दिन दादाजी ने पोते से कहा, चल पप्पू आज मैं तुझे जंगल ले चलता हूँ और शिकार करना सिखाऊंगा। हाँ दादाजी चलो, मैं भी शिकार करना सीखना चाहता हूँ। तो सोच क्या रहा है, मेरी बंदूक ले आ और चल हम शिकार पर चलेंगे। हाँ मैं तो ले भी आया। अब दोनों ही जंगल की ओर निकल पड़े। सबसे पहले उसने जंगल में झाड़ियों के पीछे एक हिरन दिखा। दादाजी मुझे झाड़ियों में कुछ दिख रहा है। धीरे बोल वरना वो भाग जाएगा। ये तो हिरन है दादाजी। हाँ बेटा बड़ा तगड़ा शिकार होता है, रुक मैं निशाना लगाता हूँ। और दादाजी ने निशाना उस निर्दोष हिरन पर लगा दिया, बेचारे की जान चली गई। इस पर पप्पू बहुत खुश हुआ। ये दादाजी, दादाजी ने हिरन मारा, दादाजी ने हिरन मारा। हा, हा, देख बेटा तेरे दादाजी का कमाल। अब वो अपने अगले शिकार की ओर आगे बढ़े। काफी देर इंतजार करने के बाद एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश दिखाई दिया और पप्पू बोला, दादाजी एक और शिकार वो देखो। निशाना लगाओ जल्दी। नहीं बेटा इतने से खरगोश को मारने में गोली बर्बाद नहीं कर सकता, आजा उसके पास जाते हैं और पकड़कर घर ले चलते हैं, तू इससे खेलना। तभी पास में खड़ा एक भैंसा दादाजी से बोला, सुनो उससे ना तो बोलना और ना ही उसे छेड़ना, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी की बात सुनकर दादाजी हंस पड़े। ये छोटा सा खरगोश ये खतरनाक है, आपको जितना बताया उतना करो बस, वरना बहुत पछताओगे। अब तू हमें बताएगा, चल निकल यहाँ से नहीं तो तुझे गोली से उड़ा दूंगा। दादाजी ने भैंसे को भगा दिया। जा रहा हूँ मैं पर तुम पछताओगे। दादाजी पोते से, आजा बेटा उसके पास चलते हैं। चलो दादाजी। और दोनों ही उस नन्हे से खरगोश के पास गए। पप्पू बोला, चल हमारे साथ, हम तुझे अपने घर ले जाने आए हैं। नहीं ये जंगल ही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सीधी तरह चल वरना। वरना क्या, तुम लोग यहाँ से चले जाओ नहीं तो बहुत बुरा होगा। खरगोश का कान पकड़कर पप्पू ने बोला, सीधी तरह चलता है कि नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। अब पप्पू जिद पर अड़ गया, उसे वो खरगोश चाहिए ही था। उसने और जोर से खरगोश के कान मरोड़े, लेकिन ये क्या हुआ, देखते ही देखते खरगोश विशाल हो गया। दादा पोते दोनों डर गए, खरगोश अब दोनों से भी ज्यादा विशाल आकार में आ चुका था। अब खरगोश बोला, बोला था ना मुझसे दूर रहना, नहीं माने ना तुम, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दादाजी ने डरते हुए कहा, हा, 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 इसकी सजा तो अब तुम दोनों को भुगतनी ही पड़ेगी, तुमने निर्दोष जानवरों को बहुत मारा है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। सजा तो सजा होती है, तुम दोनों को सजा मिलेगी।
विशाल खरगोश के आगे दादा पोतों की एक न चली और खरगोश ने पास में रखे हुए पिंजरे में दोनों दादा और पोते को बंद कर दिया और खरगोश वापस से छोटा होकर गायब हो गया। और अब हर एक जंगल का जानवर पिंजरे में बंद दादा और पोते को परेशान करने लगा। कोई आकर पंजा मारता तो कोई चिढ़ाकर चला जाता। बंदर ने सबसे ज्यादा मजा लिया। दादाजी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा मुझे माफ कर दो, ये सारी की सारी गलती मेरी है। मैंने ही तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं दी, आज सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब सुनकर खरगोश वापस दो दिन बाद लौटा। उसने विशाल रूप में उन दोनों को पिंजरे से आजाद कर दिया। दादा और पोते ने खरगोश से माफी मांगी और ये वचन दिया कि आगे से हम जानवरों को कभी परेशान नहीं करेंगे। अगर कभी तुमने किसी जानवर को परेशान किया तो याद रखना, एक बार मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। जानवर भी एक जीव होते हैं, उनमें भी उतनी ही प्यार और जान होती है जितनी तुम इंसानों में है। उनकी कदर करना सीखो। दादा और पोते को उनका ज्ञान मिल चुका था, तो आप भी जानवरों के साथ अच्छा सलूक कीजिए। ये दुनिया उनकी भी उतनी ही है जितनी हमारी। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना